अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। ओवरऑल हेल्थ को जब डिफ़ाइन किया जाता है तो पहले इसकी डेफिनेशन में फिज़िकल हेल्थ का जिक्र था, जिस्मानी सेहत होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल हेल्थ का जिक्र है कि साइकोलॉजिकल इंसान को हेल्दी होना चाहिए। सोशल एस्पेक्ट्स का जिक्र है कि सोशल प्रॉब्लम्स को मैनेज करें तो फिर इंसान की वेलबींग होती है। आजकल एक नई चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो इंसान का है उसमें वो कितना हेल्दी है, उसमें वो किस तरह उसकी वेलबींग से ओवरऑल इंसान हेल्दी हो सकता है। तो आई थिंक इसमें कुछ एविडेंस ऐसा है कि जिनमें स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन कुछ एस्पेक्ट्स में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है। यानी सुइसाइडल बिहेवियर में ये देखा गया है कि कुछ रिलीजियस रिस्ट्रेंस की वजह से लोग रुक जाते हैं, और कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे रिलीजन में सुइसाइड के बारे में मना किया गया वहाँ पे कुछ रेट्स कम हैं सुइसाइड की, ये एविडेंस है इस चीज़ का। तो आई थिंक जो स्पिरिचुअल जो रूहानी सेहत इसको हम कह सकते हैं या रिलीजियस एस्पेक्ट कह सकते हैं, ये डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं सब में ही इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि एक हायर फोर्स, एक हायर बीइंग क्रिएटर के साथ ताल्लुक़ पे बात की गई है कि जितना वो स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होगा क्रिएटर के साथ उतना ही वो वेल बीइंग या एक सेहतमंद जो रवैया है जब या एक सुकून वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है। तो डिफरेंट जो रिलीजन्स में इसी तरह का ही कहा गया, और आई थिंक स्पिरिचुअल हेल्थ पे बहुत काम हो रहा है और इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है और एक बहुत अहम कंपोनेंट है ओवरऑल हेल्थ का। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन व्हिच इज़ डन बाय marham.pk।